कि हर जी शऊर इंसान के लिए सबसे पहला मसला जो दुनिया में आता है वो ये है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये कायनात क्या है, आया ये हमेशा से है या हमेशा रहेगी, या ये कि किसी वक्त क्रिएट की गई है, तख्लीक की गई है और किसी वक्त खत्म भी हो जाएगी। अगर क्रिएट की गई तो क्रिएटर कौन है, खालिक कौन है, मेरा उसके साथ राबता कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर ये कि मेरे अंदर खैर और शर के कुछ रुझानात तो हैं, लेकिन आया ये मुस्तकिल वैल्यूज है या ऐसे ही सिर्फ मेरी सोच है, नथिंग इज गुड और बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो, या कुछ और मामला है। इल्म क्या है, कहां से इल्म हासिल करें, ये फलसफे के बड़े चोटी के मसाइल, एपिस्टिमोलॉजी है, एथिक्स है, और ये कि मेटाफिजिक्स है, ये तमाम मसाइल दुनिया में आते हैं हर बाशऊर इंसान के। ये दूसरी बात है कि अक्सर लोग बेशऊर होते हैं, वो ये कि हर माशरे में जिसमें आंख खोली उसमें जो कुछ भी लोग मान रहे हैं उन्होंने मान लिया, 100 खुदाओं को मान रहे हैं, 100 को मान लिया, चलो गाड़ी चलाओ, कोई जो भी उनके तसव्वुरात और अकायदे इख्तियार कर लिया और चल पड़े भेड़ चाल। लेकिन ये कि हमेशा आपने देखा कुछ ना कुछ लोग दुनिया में ऐसे रहे कि जिन्होंने महज इस वजह से किसी शय को मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि चूंकि लोग मानते हैं, दे वांटेड टू नो इट फॉर देमसेल्व्स, हम खुद तहकीक करेंगे, तफ्तीश करेंगे, गौर और फिक्र करेंगे। अब इसमें सोचिए, अगर किसी का दिल इन सवालात के उन जवाबात पर मुतमईन हो जाए जो अंबियाए किराम ने दिए, अंबियाए किराम ने क्या जवाब दिए, सब ने दिया एक ही जवाब सबका, शरीयतें मुख्तलिफ है, मिनहाज मुख्तलिफ है, इन सवालों का जवाब एक ही है, ये कायनात ना हमेशा से है ना हमेशा रहेगी, एक वक्त मुअय्यन पर इसकी तखलीक हुई है, एक अजल मुसम्मा, एक वक्त मुअय्यन तक के लिए, इसका एक खालिक है अल्लाह, वो वाहिद है अपनी जात में सिफात में, कोई शरीक नहीं उसके, ला जिद्द लहू वला निद्द लहू वला मिस्ल लहू वला मिसाल लहू वला मसील लहू, कोई उस जैसा नहीं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, लम यलिद वलम यूलद, उसने कायनात पैदा की, उसी ने इंसान को पैदा किया, इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, फरिश्तों को उसके सामने झुकवा दिया, और फिर इंसानों की रहनुमाई के लिए एक तो नेकी और बदी के का इल्म इल्हामी तौर पर उसके अंदर रख दिया, और उसके अलावा उसने अपने नबी भेजे, किताबें भेजी, शरीयतें नाजिल की, रसूल भेजे, इन सारे जवाबात को मान लेना जो है ये पहला कदम है जिसका नाम ईमान है।